दिन हो रहे छेड़खानी से अभिभावक के माथे पर रोज चिंता की लकीरें साफ देखने को मिल रही हैं कि कहीं उनकी बिटिया किसी मनचले के कारिस्तानियों से परेशान न हो रही हो। लाख कोशिश करने के बाद पुलिस प्रशासन भी छेड़खानी की घटना को रोक नहीं पा रही है। गांव छितवना के ग्रामीणों ने इसका खुद समाधान निकाल लिया है। अब यहां किसी भी मनचले की हिम्मत नहीं हो सकती किसी लड़की को छेड़ने या परेशान करने की। दरअसल जनप्रतिनिधियों ने खुद के प्रयासों से पूरे गांव में सीसीटीवी लगवा दिए हैं। इसके बाद से गांव में लड़कियों से छेड़खानी की घटनाएं तो कम हो ही गई हैं, साथ ही चोरी की घटनाएं भी लगभग ना के बराबर रह गई हैं। अब इस गांव की लड़कियों का भी मनोबल बढ़ गया है। अब वो बिना किसी डर के घर से बाहर निकल सकती हैं। सीसीटीवी गांव के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता हो गई थी और जहां भी सीसीटीवी कैमरा है वहां घटनाएं रुकी हैं। चोरी की घटना, छेड़खाने की घटना या कोई भी अप्रिय काम जो बाहर के लोग आके दौड़ के गांव में आते हैं, किसी घटना को अंजाम दे जाते हैं, ऐसी घटनाएं रुक गई। लोग देखते हैं कि सीसीटीवी लगा हुआ है तो आदमी डर जाता है कि इस गाँव में ना विवाद करने लायक है ना छेड़खानी करने लायक। इससे सारी दिक्कतें स्कूल वाले बच्चियों के लिए गांव में सारी व्यवस्था, आने जाने वाले अब डरने की जरूरत नहीं किसी को। छेड़खानी रुक गया है, कोई छेड़खानी और कोई अप्रिय घटना नहीं हो रही। स्कूल की बच्चियां मतलब सुरक्षित हैं? जी 100% स्कूल के नहीं, सारे लोग सुरक्षित हैं। सीसीटीवी को इस पूरा गांव सुरक्षित है। इसकी मॉनिटरिंग आप कैसे करते हैं? मॉनिटरिंग तो रहते हैं तो कर लेते हैं, नहीं रहेंगे तो वीडियो रहता है, अगर कोई दिक्कत आती है तो वीडियो देखा जाता है। अगर बिजली चली जाती है तो इसके लिए इन्वर्टर उपलब्ध है। क्या नाम है? दिनेश कुमार यादव, प्रधान प्रतिनिधि क्षेत्र पंचायत सदस्य। आपके गांव में सीसीटीवी लग गया है, आप इसको कैसे देखते हैं? हम उससे बहुत सुरक्षित हैं और हम नहीं बल्कि पूरा गाँव के हर लोग सुरक्षित हैं। जहाँ पर इस रास्ते से कोई भी जाता था, लड़कियाँ जाती थी हैं, तो पियक्कड़ लोग आकर के उसको कभी भी छेड़खानी कर देते थे, लेकिन अब उससे वर्जित हो गए हैं यहाँ के लोग। सीसीटीवी लग जाने से मतलब सभी लोग सुरक्षित हैं? सुरक्षित हैं। मेरे गांव में सीसीटीवी कैमरा लग गया है, बहुत अच्छा सुविधा हो गया, आने जाने में दिक्कतें नहीं होती, कहीं स्कूल में भी आने जाने में दिक्कतें नहीं होती हैं। और मेरे गांव में बहुत सारी चोरियां होती थी, वो सब चोरियां रुक गई हैं। और जैसे नाली, सड़क, टोटी और सारी मतलब सुविधा करवा दिया गया सीसीटीवी कैमरे से। यही सब फायदे हम लोगों के, स्कूल आने जाने में कहीं दिक्कतें नहीं होती हैं। बट हम लोग रात में भी एकदम आसानी से आ जा सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं होती, कोई परेशानी नहीं है। अब सीसीटीवी कैमरे से हम लोग को बहुत सारी सुविधा, बहुत सारी फायदा है। तभी ये था कि मतलब कोई मजाक कर देता था, पर वैसे अब कोई हम लोग को कुछ बोल नहीं पाता है। सीसीटीवी कैमरे लग जाने की वजह से हम लोग कोई कुछ बोल नहीं सकता है, हम लोग आने जाने में बहुत सुरक्षित फील करते हैं। निकिता पांडे। हमारे गांव में सीसीटीवी लगने के कारण हम लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं। हम लोग को रास्ते में आने जाने चलने में कोई भी दिक्कत नहीं होता, अच्छा फील होता है, उससे हम लोग सुरक्षित रहते हैं।